मांगते हम अपना अधिकार मांगते। तो दोस्तों मैं अभी हूँ यहाँ कुमान सिंह डामोर सांसद के घर के इधर साइड में हूँ, जो कि आप देख सकते हो पीछे उधर आप देख सकते हो, ये पीछे कुमान सिंह डामोर सांसद जी का मतलब जो घर है आप दिख रहा होगा, और यहाँ पे कितनी सारी भीड़ लगा रखी है देख सकते हो। यहाँ पे पूरे ऑटो वाले ने यहाँ पे ऑटो लाके खड़े कर दिए, उनको कुछ मांग चाहिए, देखते हैं क्या बोलते हैं, लोगों का क्या कहना है सुनते हैं। चलो भारत माता की। मिलना है, मिलना हमारा ये बताना है कि ये बात की तकलीफ है। अच्छा, अगर अब आपकी समस्या को समाधान नहीं निकलता आगे क्या? हमारी हर वक्त हम किसी से भी बोलते हैं, हमने कल एडिशनल एसपी साहब से भी बोला था कि हमारा समस्या का समाधान किया जाए, तो कहते हैं यहाँ तो नहीं लगाने देंगे यहाँ, तो इसके लिए हम सांसद जी के पास खड़े उनसे कुछ मांग रखें हो जाए। तो इतनी ऑटो वाले किस्त कैसे भरेंगे, घर की रस्ती कैसे चलेगी, उनकी सब बेरोजगार हो जाएंगे। और हमारी एक ही मांग है कि हमारे को हमारा स्टैंड वापस से वहीं दिया जाए, ज़्यादा इतना ऑटो है, बाकी इतना ऑटो नहीं, हमको 25 ऑटो का अवेलेबल तो किया जाए वहीं पर जहाँ हमारा स्टैंड है, बस हमारी यही मांग है। हाँ, अगर या फिर पूरा बस स्टैंड ही बाहर चला जाए सर, अगर ट्रैफिक जाम होता है ज़्यादा वहाँ पे, तो बस स्टैंड को किशनपुरी में करा था, पर हुआ नहीं अभी तक। वो दुकानों का भी कोई, अगर वो दुकान सामने जो लगी है वो दुकान अगर या तो उधर बन जाए तो भी हमारा काम हो जाए, हम पीछे खसक जाएंगे। अब वो पीछे जो जगह दे रहे हैं वो दुकान है, सब सामने आती है। बसों पे जगह दे रहे हैं हमको, ऐसी बात नहीं दे रहे। आधा आधा घंटा एक एक घंटा जो पहले खड़ी रहती है उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए इसी कारण। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हो कितने सारे लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए, जो सांसद का घर है वहाँ पे देख सकते हो आप। दोस्तों कोई नेता को कोई आम जनता या फिर आम जनता कोई वोट देके बड़ा नेता बनाती है, और उसके बाद वो नेता उनके साथ गलत व्यवहार करे या फिर उनकी कोई बात ना सुने। अब सरकार और नेता तो अपने जनता के लिए रहता, बट जनता की बात ही नहीं सुने, और जनता के सामने कभी आके खड़ा नहीं रहता, और जनता को कोई वैल्यू नहीं देता, और तुम जाओ तुम्हारा भाड़ में, तुमने जो करना है वो कर लो, मैं तो बड़ा नेता हूँ करके। तो आपने ये वीडियो देख लिया होगा कि दोस्तों किस तरह से गुमन सिंह डामोर जी जो सांसद है हमारे इधर साइड के, जो यहाँ पे पूरी तरह से कितने सारे लोग ऑटो वाले यहाँ पे खड़े थे, और आपने देखा किस तरह से। मैं बता दूं दोस्तों, मैं जब वहाँ पे गया था तो वहाँ पे जो एक दो ऊपर जो उसकी बड़ी बिल्डिंग से रह के देख रहे थे, तवां से देख रहे थे, नीचे लोग ऑटो वाले चिल्ला रहे थे कि नारे लगा रहे थे, बट ये तो दोस्तों मुझे नहीं पता कि जब तक मैं वहाँ पे था तब तक कुमार सिंह डामोर अपने घर से बाहर आए नहीं थे। मैं खुद वहाँ पे खड़ा था, बट वहाँ पे तब तक कोई नेता नहीं आए थे, बस लोगों को बस कुत्ते जैसे चिल्ला रहे थे, उनको कोई जानवर जैसा मान लिया कि यार तुम जाओ, तुम जो भी उखड़ना उखड़ लो, मैं तो नेता हूँ करके। तो जो गलत है उसको कोई छुपा नहीं सकता। तो दोस्तों फिर मिलते हैं न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और इसी तरह से मैं एक अपने आदिवासी समाज के लिए जो भी कोस या मतलब एक उन पर जो भी अगर गलत व्यवहार करें उनके साथ, अपने आदिवासी भाइयों के साथ, उनके साथ भ्रष्टाचार की मतलब एक राजनीतिक चलाए, तो उस पर कोशन्स उठाने चाहिए और मुकदमा उठाना चाहिए दोस्तों। तो मिलते हैं न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय दोस्तों।